ये अटल घाट से हमारी नाव निकल चुकी है, गंगा जी में हम मौजूद हैं। कानपुर शहर है, आप जानते हैं, पुराना शहर है, अपने मुद्दे हैं, अपनी दिक्कतें हैं और नेताओं के अपने वादे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इस नाव में, उनसे जान लेते हैं कि किस मुद्दे पर वो वोट देना चाहते हैं इस बार, योगी या फिर अखिलेश। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी और क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार के चुनाव? मैम, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मुद्दा जो है, अगर आप देखा जाए सिनेरियो में, डेवलपमेंट ही है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिकली यही जो है हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं कि आज जैसे प्रयागराज में ही देखा कि जो हम लोग घर से बाहर निकल के पढ़ने जाते हैं, किसी की इंटेंशन नहीं होती कि हम वहाँ जाके किसी जगह बैठ के जो प्रोटेस्ट करें अपना। अगर कुछ हम कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, बैठा के बात करनी चाहिए। हमारे साथ एक महिला अभी इस नाव पे मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, योगी कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है हमारी सरकार में। आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं इस सरकार में? मैम, मेरा नाम नीतू सिंह यादव है और मैम रही बात महिलाओं के सुरक्षित होने की, तो देखिए वो तो सब जगह दिखाई दे रहा है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, चाहे कहीं का भी केस हो, चाहे उन्नाव का हो या किसी भी जगह का हो, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब हम जनता के अवेयरनेस की वजह से ही ऐसा होगा। हमें किसी के मतलब ये नहीं है कि सरकार ही कुछ ज़्यादा वो करे तभी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए महिला यहाँ पे महिला बैठी हुई है और बड़ी बात कह रही है, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को इज्जत चाहिए अपने समाज में, और अगर वो नहीं मिलती है तो ये बेहद दुखद है। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं जो वोट देते हैं, जिनकी वोट की उम्र हो चुकी है, हालांकि देखने में तुम नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी कि वोट देते हो गए। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं आधार कार्ड दिखा देता हूँ आपको, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए बेटा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हमने हाल ही में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है सन 2020 में, और मेरे लिए हाल ही में ये मुद्दा है कि हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलेगा तो हम उसी सरकार को वोट देंगे, क्योंकि अभी यही मेन मुद्दा है मेरा। और तुम, आपके लिए देखो कान में तुम ये म्यूजिक सब लगाए हुए हो, बिल्कुल कूल टाइप के ड्यूड लग रहे हो, लेकिन मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर तुम वोट दोगे? इस मुद्दे पे वोट देना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने भी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, तो अब कोई भी एक इंजीनियर या फिर स्टूडेंट जो होता है, यदि उसने इंजीनियरिंग की है तो वो यही चाहता है कि उसे जॉब मिले। तो गवर्नमेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, गवर्नमेंट का कोई भी जॉब सिनेरियो या डेवलपमेंट कुछ भी हो ही नहीं रहा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगा कैसे? तो मेन सिनेरियो मेरा ये कि हम वो गवर्नमेंट चुनना चाहेंगे कि हमें जॉब मिले। देखिए इतना खूबसूरत नजारा है, नीला नीला पानी है, अटल घाट यहाँ बना हुआ है, लेकिन सरकार, क्योंकि अब चुनाव आ गया है, तीसरे चरण का चुनाव कानपुर में होना है, क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए और कौन से वो मुद्दे हैं जिनकी लोग असल में बात नहीं कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं? मैम, हिंदू मुस्लिम क्या, यहाँ तो बस जो सरकार आ रही वो अपना मतलब बता रही कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं यहाँ रहता हूँ, मुंबई में जॉब करता हूँ, धर्मा प्रोडक्शन से हूँ, असिस्टेंट ऑफ आर्ट डायरेक्टर हूँ। मैम सब बहुत मतलब काफ़ी मैंने शो किए हैं, ये किए हैं, लेकिन 5-6 महीने से वहाँ पे काम अब इतना नहीं चल रहा है, उस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। कुछ दिख नहीं रहा मैम यहाँ पे, मुझे कुछ डेवलपमेंट जैसे मतलब दिखाई देता है कि सरकार ने किया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, भाई देखिए ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अगर इससे बात ना की जाए। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, ये बताइए योगी आदित्यनाथ को पहचानते हैं आप? पहचानते हैं? अच्छा, और अखिलेश यादव को? अच्छा, ये तो भाई बड़ा सजग बच्चा है। किस क्लास में आप? सेकंड में। आपको कौन अच्छा लगता है, मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती, कौन अच्छा लगता है? अखिलेश अच्छा लगता है भाई। देखिए ये पसंद होना भी बहुत जरूरी है, और छोटा सा बच्चा है लेकिन है क्लास 2 में, लेकिन सारे बड़े नेताओं के नाम जानते हैं। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? नहीं। अच्छा, चलिए भाई देखिए, अब छोटा बच्चा है, उसकी अपनी पसंद है, हालांकि अभी वो वोट नहीं देता है। तो ये नाव में इस समय हम सवार हैं, यहाँ पर लोगों की हमने राय जानी, लेकिन मेरे साथ ये नाव वाले भैया भी हैं, इनकी राय जानना भी बेहद जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस धंधे में है। तो कितना नुकसान, कितना फायदा, और क्या चाहते हो सरकार से? मैडम, यही चाहते हैं, जो कोरोना काल में अभी तक वोटिंग बंद थी, अब वो चालू कर दी गई है। कम से कम ये हम लोगों का कुछ जरिया नहीं है, तो ये नाव जरिया है, कम से कम यही चलती रहेगी तो रोजगार, खाने को, घर में बच्चे खाते रहे। नाव क्या बंद कर रहे हैं? ये कोरोना काल में अटल घाट बंद था। देखो वो तो वैश्विक महामारी है ना, तो देखो अगर आप नाव चलाते भी तो भी कोई नहीं आता, तो वो तो सरकार की मजबूरी कही जाएगी, लेकिन और सरकार से क्या चाहते हो? और सरकार से इतना ही चाहते हैं कि अटल घाट जो है, यहाँ कर्मचारी जो है, इनको 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, इन कर्मचारियों को देखा जाए।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नाविक जो है इस आज नाव के हमारे, उनका कहना है कि भाई 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, तो कृपा करके इनकी तनख्वाहों का इंतजाम जरूर कीजिए।